ऐसी ही समाज की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बुटोलिया YouTube चैनल खटीक महासंघ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाकाली खटीक समाज की इष्ट देवी या कुल देवी हैं, इसलिए हम महाकाली की पूजा करते हैं और महाकाली उत्सव मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और अधिक। महाकाली उत्सव खटीक समाज का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन खटीक समाज द्वारा बकरों की बलि और महाकाली की पूजा और विसर्जन किया जाता है। झांसी और कलकत्ते में खटीक यानी का महाकाली उत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। हर साल दशहरे के दिन यहाँ लाखों लोग महाकाली उत्सव के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से शामिल होने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलकत्ते और झांसी के खटीक याने में महाकाली उत्सव के दौरान खटीक समाज द्वारा एक ही दिन में लगभग 1100 बकरों की बलि दी जाती है। माना जाता है कि यहाँ जो मांगो वही मिलता है, फिर मनोकामना पूरी होने पर बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। काली माता के विसर्जन के साथ खटीक समाज विजयदशमी को शस्त्र पूजन का आयोजन करते हैं। श्री श्री 1008 महाकाली उत्सव समिति सईसपुरा शिवपुरी द्वारा हर वर्ष झांसी में महाकाली उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि खटीक ही क्यों करते हैं हम काली की पूजा। खटीक समाज के लोग प्राचीन काल में शिकार करके अपना पेट भरते थे। शिकार करने को आखेट भी कहते हैं और शिकारी को आखेटक। इसलिए धीरे धीरे हमारा नाम आखेटक से खटीक हो गया। हम जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते और हिरणों का शिकार करके उनकी छालों को रंग कर बेचा करते थे। राजा महाराजा हमारी बहादुरी और शिकार कौशल से वाकिफ थे, इसलिए वे खटीकों को यानी आखेटकों को अपने साथ शिकार पर ले जाया करते थे। इससे वे निडर होकर शिकार किया करते थे। जब कोई विदेशी हमारे राजा के राज्य पर आक्रमण करता था तो आखेटक ही अपने राजा की मदद किया करते थे। वनों के नष्ट होने से हमने जंगली जानवरों का शिकार करना तो छोड़ दिया, लेकिन उस समय हमें कोई काम नहीं आता था, इसलिए हम भेड़ बकरियों को पालने का काम करने लगे। राजा की सेना के लिए मांस की आपूर्ति आखेटक ही करते थे। चूँकि जीव हत्या पाप होता है, इसलिए हम पहले काली माता के चरणों में बलि देकर उन्हें प्रसन्न किया करते थे। यज्ञ आदि में खटीक ही बलि देने का कार्य किया करते थे। काली के मंदिर में खटीक ही पुजारी होता है। जब कभी हमारी भेड़ बकरियों में महामारी फैलती थी तो हम अपनी इष्ट देवी काली माता के आगे बकरे की भेंट चढ़ाते थे, तो महामारी खुद रुक जाती थी और हमारा नुकसान होने से बच जाता था। भेड़ बकरियां चराते चराते हम दूर तक निकल जाते थे। इस तरह हम पूरे भारत में फैल गए। पंवार, परिहार, सोलंकी और चौहान ये राजपूत गोत्र हैं। इनसे ही हमारे सभी गोत्र की उत्पत्ति हुई है। खटीक तो हमें काफ़ी बाद में कहा जाने लगा, पहले गोत्र से ही हमारी पहचान थी। वे राजपूत जो राजपूतों के लिए झटके का कार्य करते थे, राजपूत उन्हीं के हाथ का बना मांस खाते थे। 12वीं सदी के आसपास जब मुगल हावी हुए तो कई राजपूतों ने रोटी बेटी का रिश्ता जोड़कर अपनी कोठियां जमींदारी बचाई, जबकि अनेक राजपूतों ने अपनी जमींदारी दीवानी छोड़ दी। बाद में उन सभी कोटिक कछावा कहा गया, जो बाद में चलकर खटीक हुए। जमींदारी छोड़ने से आए आर्थिक संकट के कारण इन खटीकों ने झटके से हलाली का कार्य शुरू कर दिया। वे मांस चमड़े का व्यापार करने लगे, जिससे इनकी सामाजिक स्थिति नीचे जाती रही। वे खटीक शूद्र की गिनती में आ गए। हमारे पूर्वजों ने बंजारों का जीवन भी जिया है, भाड़े के सैनिकों के रूप में कई लड़ाइयों में भाग लिया है। यहाँ तक कि खटीकों ने मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तराइन की लड़ाई भी लड़ी है।